आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड। का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, क्या मानते हैं? जी जी, मैं हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है, जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है, सब मुसलमान जो है होता है वो फकीर नहीं होता, वो मांगता नहीं है। तो आप क्यों मांग रहे? मुवाजना बनता नहीं, वैसे आप करना चाह रहे हैं तो मुवाजना कर लेते हैं। इंडिया डेफिनेटली, इंडिया हम आगे है, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। आईटी में मुकाबला कर सकते हैं उनका? नहीं नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास है, कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं, क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर, जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। एटम बम हमारे, हमने क्या करना है एटम बम? और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें तो एटम बम ने कोई हमें डेवलपमेंट नहीं दिया, हमने उसका ये सब ऊपर जाएगा मुल्क इंशाल्लाह नबी के सदके, जब इससे बातों से जाएगा, बातों से कानून नाफिज हो जाएगा ना, अब होगा, एक 75-76 साल हो गए, अब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कौन करेगा? अल्लाह का नेक बंदा कुछ करेगा ना, कोई ना कोई। अरे हमारे हरकतें ऐसी हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा। आपको हमारे ऊपर अगर दीन में मौलवी ये कहता है कि पैसे की अहमियत नहीं है, तो सबसे बड़ा वो अपनी खामियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल रहा है। उसको ना उसने इकोनॉमी पढ़ी है, ना उसने कल्चर पढ़ा है, ना उस वो सोसाइटी को जानता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से एक पत्रकार वर्ल्ड कप को कवर करने आया हुआ था, और उसने भारत में आके जो डेवलपमेंट देखा, स्पेशली जब हम यूपीआई की बात करते हैं, तो उसका वो दीवाना हो गया, और उसके लिए उसने इंडिया की काफी प्रेज भी की है। इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंडिया में जो तरक्की हो रही है, उसका भी काफी अच्छा उसने एक एग्जाम्पल बताया कि भारत 50 साल आगे निकल चुका है पाकिस्तान से। अगर हम बात करें पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस की, तो आप इस वीडियो में देखिएगा कि पाकिस्तानी अवाम ने क्या रिएक्ट किया है। ये वीडियो है मुजम्मल कुरैसी का, मुजम्मल कुरैसी ने अपनी अवाम से इस डेवलपमेंट को लेकर बात की है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री इस ज्यादा डेवलप हो गई है, कौन सा मुल्क ज्यादा डेवलप है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? सब तो मुल्क हमारा अच्छा है, लेकिन इसके हुक्मरानी अच्छे हैं। अच्छा। बाकी हमारे, हमें चाहिए इस्लाम के मतलब कोई बात करें और सब काम छोड़ दें, इस्लाम से, इस्लाम के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। सर मैं 100% मानता हूँ आपकी बात को, मैं यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी कंट्री, कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता है, आपने ये बताना, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। अच्छा, ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है पाकिस्तान? किस चीज़ में? हर चीज में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लोग जो अच्छे हैं, लेकिन हुक्मरान। एक चीज बतानी है आपने, मेरे ऑडियंस चाह रहे थे कि पूछें कि पाकिस्तानी पब्लिक से कि पाकिस्तान कौन सी चीज में हिंदुस्तान से आगे है, या फिर हमारी ज्यादा तरक्की उनसे ज्यादा तरक्की में? लोग मुसलमान हैं, हर जगह मुसलमानों की जड़ी है ना, हर जगह सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है। सब मुसलमान जो है होता है वो फकीर नहीं होता, वो मांगता नहीं है। तो अब क्यों मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे, हम अब क्यों मांग रहे हैं? हम ये तो भूखे हुक्मरान है ना, अगर इन्हें को मान अमान हो ना, कभी ना किसी को खैरात मांगे। तो ये भी तो मुसलमान ही है जो मांग रहे हैं। बस इन्हें मंगने की रात पे आ गई है ना। अच्छा, तालीमी निज़ाम कौन से मुल्क का ज्यादा बेहतर है, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? तालीमी हमारा भी अच्छा है, लेकिन उनका भी अच्छा है, उनको ज्यादा फजीलती है, हमारे मुल्क में फजीलती नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अच्छा, हमारा मुल्क अच्छा है। कुछ भी मतलब के बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है, फिर भी हमारा मुल्क ज्यादा अच्छा है। सब तो अच्छा है, ज़रखेज़ ज़मीन है, हर चीज़, इंसान अच्छे हैं, मुसलमान। ज़मीन खाली देखने के लिए थोड़ी उतना होती है सर, उसमें फसल उगाने के लिए होती है, हम क्या उगा रहे हैं? फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन किसानों को पूरी जितना काम करते हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जाता, वो बेचारे क्या करें। अच्छा, हाँ, मतलब के कुछ नहीं भी है जरखेज में, जमीन जरखेज है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क होने के बाद भी अपनी ज़रूरी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करता, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करता पाकिस्तान,
तो ये अच्छी बात है। वो हमारे मुल्क की जो चीज़ें हैं ना वो दूसरे मुल्क भेज देते हैं, हमारे मुल्क की चीज़ें जो वो महंगी बेचते हैं वो तो सस्ती बेचते हैं, अपने दूसरे मुल्कों में महंगी ले लेते हैं, कमीशन कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लगता है आपको? एक मिनट अंकल, आपने ही रहना। ये अंकल कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से हिंदुस्तान से आगे हैं पाकिस्तान हर चीज़ में, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? हिंदुस्तान से आगे ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा महंगाई होगी। आग लगी इधर आग लगी, ना बिल पूरे हो रहे बत्ती का, ना पानी का, हम घर की चीज़ों बेच के बिल तार रहे हैं, खाने के लिए एक एक हांडी पकाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि हर चीज़ बेचकर घर के बिल उतारते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात ख़राब हैं, आप तो कह रहे हैं सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हुक्मरान ही ना अच्छे हैं, जो हुक्मरान अच्छे होंगे तो इस मुल्क का निज़ाम अच्छा हो जाएगा। एक पाकिस्तानी ना जर्नलिस्ट है जो कि हिंदुस्तान गया हुआ है, इंडिया गया है, इंडिया जाकर वो क्या कुछ देखता, मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड की वीडियो है। एक मिनट, ये पहले ये देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। पकाते हैं, दो दिन हांडी खाते हैं, तीन दिन ही खाते हैं हांडी। ये देखें, सुने ये पहले चीज़ देखिए, ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप। ये हिंदुस्तान गया हुआ है इंडिया वर्ल्ड कप। पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देख कर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। कैश में अभी भी लेन देन हो रहा है, ये समझ आई क्या? नहीं सर। ये आज का नौजवान है, आपने भी साथ ही रहना, ये आज का नौजवान है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये पेटीएम जिस तरह से कहा जाता है कि यूपीआई इंडिया का एक जो कैश ऐप है, जिस तरह हमारे जैस कैश है, इजी पे थोड़ा सर्फ हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, जिस तरह हमारा जैस कैश इजी पैसा, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी इस एक पे चलता है जो कि वो कैश कैरी नहीं करते, वो अपनी कोई भी पेमेंट, फॉर एग्जांपल आपने मुझसे मोबाइल लिया तो आपने पैसे कैश नहीं देना, आपने मुझे मोबाइल पर स्कैन करके आपके अकाउंट से मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। डिजिटलाइज इतना हो गया, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, क्या मानते हैं? जी हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना वो सबसे ऊपर कौम है, जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर डेवलपमेंट हम ज़्यादा हैं इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, क्या फिर हमारा पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है, डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं, हमको समझना चाहिए, हम समझना नहीं चाहिए, जो है वो मतलब के मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना। जी, मतलब कम होने के बावजूद भी कम नहीं मानना कि हम उनसे कम ही नहीं है। बिल्कुल उनसे कम नहीं, इंशाल्लाह उनसे हम मुसलमान हैं, उनसे कम नहीं है। अच्छा, हम उनसे कम नहीं, हम उनसे ऊपर ही हैं। ऊपर ही हैं इंशाल्लाह ताला रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाएं, किस चीज़ में हम उनसे ऊपर हैं? एक मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। साड़ी आर्मी सब से ऊपर है, जो आर्मी है वो भी अच्छे उनसे ऊपर है, हुक्मरान जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। आप मुझे बताएं किस चीज़ से हम उनसे ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान है, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। अच्छा, मुसलमान होने का ये फॉर एग्जांपल कुछ ना भी करो, हम उनसे आगे किस तरह से होंगे? नहीं, हमें करना चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई वो दुनिया में अभी कितने आगे चले गए टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, आईटी में मुकाबला कर सकते हो उनका? नहीं नहीं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीआई की, तो भारत में यूपीआई का आपको पेमेंट सिस्टम बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है और लगातार इसकी ग्रोथ होती जा रही है। लगभग 19 कंट्रीज ने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है और भारत की करेंसी में ट्रेड कर रही है। अगर आपको सिंगापुर पैसा भेजना हो, अगर आपको मलेशिया पैसा भेजना हो, एक क्यूआर स्कैन कीजिए, आपका पैसा वहां पे पहुंच जाएगा। या फिर अगर आप सिंगापुर में, मलेशिया में या मालदीव में पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर के मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अब यूएस में भी इसका धीरे धीरे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को मोस्टली कंट्रीज, जो वेस्ट की कंट्रीज हैं जो अभी तक ये काम नहीं कर पाई, वो कारनामा भारत ने किया है और इसका इस्तेमाल आपको वेस्ट की कंट्रीज में भी बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा और यूरोप में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है।
तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा था। जब हम बात करते हैं एलियंस की तो दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों को जानने समझने की पूरी दुनिया में एक क्यूरियोसिटी थी। उसी तरह से पाकिस्तान में ये क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है कि भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी एक नया रिवॉल्यूशन भारत में लेके आई है। वहां में से एक आदमी का कहना है कि इससे जो चोरी डकैती की वारदात थी काफी कम हो चुकी है। इसमें यूपीआई टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा सहयोग काफी अच्छा योगदान भी देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तानी आवाम हमेशा यही कहती है कि मुसलमान सबसे आगे है और पाकिस्तान का मुसलमान तो सबसे आगे है, इसीलिए सब उसकी बजा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मुसलमानों में जज्बा है, जुनून की ताकत है एंड ऑल दैट। आपने हमेशा बुलशिट सुना। इस वीडियो में आपने देख ही लिया कि पाकिस्तानी चचा जान कहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान और दुनिया के मुसलमान सबसे आगे हैं और मुसलमान कौम सबसे ऊंचा है क्योंकि मुसलमान भीख नहीं मांगता। पाकिस्तान की हालत तो किसी से छुपी नहीं है। लगातार पाकिस्तान कटोरा लेके दूसरे देशों में भ्रमण कर रहा है ताकि उसे कुछ दान दक्षिणा मिल सके। आपने साधु सन्यासी या फिर ऐसे लोगों को देखा होगा जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भिक्षा लेते हैं। ये वैदिक काल से चला आ रहा है लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तानी ये सीरियसली ले लिया है कि यार वैदिक काल जो हिंदुत्व का कल्चर था उसको हमने फॉलो करना है और हमने यहाँ पे जो कटोरा है उसका साइज बड़ा करते हुए दूसरे देशों में भ्रमण करते हुए भीख मांगना है और फाइनली IMF से भी हम भीख मांगेंगे। तो IMF से तो मांगते ही रहते हैं लेकिन अब दूसरे देशों में जैसे अभी काकर साहब चाइना गए वहां से भी थोड़ा बहुत उनको भीख मिली है। इससे पहले फ्रांस गए वहां से भी थोड़ा भीख लेके आए। तो भीख मांगने का काम चालू है। लगातार पाकिस्तान में ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि UPI टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाए तो हम इसके जरिए भी भीख मांग सकते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।